हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग। आज हम बना रहे हैं शिमला मिर्च का टेस्टी स्नैक्स। चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। आइए, ये लिया है शिमला मिर्ची, देखिए इसे काट के धो लिया है। अब इसका डंठल तोड़ के इसे कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस कर लिया है शिमला मिर्च, देखिए थोड़ा बहुत बिया भी आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब आलू को कद्दूकस करेंगे। आलू को कद्दूकस करके धो लिया है और इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, सब्जी डाल के अब डालेंगे हरा धनिया। अब इसमें हम चावल का आटा, अरारोट, बेसन डालेंगे। मैं सिर्फ बेसन डालूंगी, आप चाहे तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं, अरारोट भी डाल सकते हैं। चलिए और मसाले ऐड करेंगे। डाल देंगे धनिया, सॉरी इसमें है जीरा, इधर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर। अब सभी को डाल कर मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। चलिए ऐसे ही मिक्स करना है, उसके बाद मिलती हूँ। मिक्स कर बना लिया इसे अच्छे से मिक्स करके। अब आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं, मैं टिक्की के शेप में बना रही हूँ। चलिए बना के तब दिखाती हूँ। बना लिया है, अब इसे तल लेते हैं। गर्म हो रहा है, इसे डाल देते हैं। निकाल लेंगे। गाइस, टेस्टी स्नैक्स रेडी होने वाला है। क्या आपको पता था शिमला मिर्च का इतना टेस्टी स्नैक्स बन सकता है? कमेंट में बताइएगा। चलिए इसे पलट देते हैं। अब इसे तल के निकाल लेंगे, चटनी के साथ या चाय के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी अच्छा लगता है खाने में। कमेंट में बताइएगा कैसा बना है शिमला मिर्च का स्नैक्स। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक ले बाय बाय।